आंखों की प्रॉब्लम है। ओके, अभी आपने वीडियो देखी थी जो चली थी, उसमें मोदी जी वाली वीडियो देखी थी? अच्छा, कोई और व्यक्ति बोलता इसकी मोदी जी की जगह तो विश्वास होता? नहीं 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 होता। इतने साल से, 75 साल से भारत में आंखों की हर प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन हो रहे हैं, किसी ने भी बोला एक बार भी कि आयुर्वेद के पंचकर्म में ये अक्षय तर्पण होता है या नाभि तर्पण करके या कट आपका उदर वस्ती करके ये आंखों का रोग ठीक किया जा सकता है? अब मोदी जी ने बोला तो दुनिया को थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया, मतलब आयुर्वेद पावरफुल है, लोगों को नहीं पता था। इतने टाइम से तो भारत आजाद तो 70 साल हो गए, कल गणतंत्र बने को भी 75 साल हो जाएंगे। चलो अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं? जल्दी ठीक होना चाहते हैं? नहीं, एक भाई साहब का हाथ नहीं उठा, उधर भी कई लोग हैं जिनको कोई जल्दी नहीं, आराम से उनके पास खूब पैसे हैं, कहते लिए जाओ आराम से, हम तो लेटे हैं। अरे तो अगर आप ठीक हो भी तो भी आप हाथ तो खड़ा कर सकते थे कि मैं भी जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। हाँ जी, अच्छा आप सच्ची बता रहा हूँ, मैं लगभग 20% लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ जी, अच्छा कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी लाइफ में, अगर हम सीख जाएंगे कि बीमार क्यों होते हैं और ठीक कैसे रहते हैं तो आसान नहीं हो जाएगा? कितना इजी हो जाएगा अगर हम बीमार पड़ते क्यों है वो सीख जाएं और बीमार से ठीक कैसे होना है वो सीख जाएं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता है, लगता है कि हमें बीमारी है लेकिन एक्चुअल में वो बीमारी नहीं है। जैसे अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद कहता है फोड़ा, कहीं भी फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, उल्टियां लग जाए, दस्त हो जाए, जुकाम लग जाए, बुखार हो जाए, ये सब मित्र है। फिर समझ लो आयुर्वेद क्या कह रहा है, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये क्या है? मित्र है, ये हमें हमारा भला करते हैं। कैसे कैसे भला करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बॉडी बॉडी डिटॉक्स होती है। बेसिकली ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी को फोड़े हो गए तो बेसिकली उन फोड़ों के अंदर, जब बचपन से आप याद करो जब फोड़ा होता था और फोड़ा फटता था क्या निकलता था? पस निकलता था, तो वो बॉडी की गंदगी निकल गई। अगर वो नहीं निकलता वो गंदगी कहां थी? वो कल को ट्यूमर बनती, रसौली बनती, कोई गांठ बनती, कोई सिस्ट बनती, कोई कैंसर बनता, पथरी बनती, कौन भुगतता? हम ही भुगतते ना। तो इसका मतलब निकल गया तो क्या हो गया? अच्छा हो गया। ठीक